नवभारती कॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक यानी मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। हमारे नेट के लिए जो मैं शिक्षण का आपका टॉपिक फर्स्ट पेपर के लिए लेके आई थी शिक्षण अभिवृद्धि बच्चों, उसमें हमारे शिक्षण के जो महत्वपूर्ण कारक है उनके बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगी। सर्वप्रथम जो मैंने शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक हैं उसके अंदर मैंने आज आपको शिक्षण सूत्र के बारे में बताऊंगी। शिक्षण सूत्र यानी कि हमारे टीचिंग रूल्स, जो हम टीचिंग फॉर्मूले हम काम में लेते हैं, हम ये कहेंगे शिक्षण सूत्र को टीचिंग फॉर्मूले। जो हमने देखा है कि जब हमारे समय समय पर हमारे इसके लिए बहुत शोध होते हैं, शोध होने के बाद शोध में क्या पता चला है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हमारे शिक्षाविद अपने अनुभवों को किसमें काम में लेते हैं, फॉर्मूले में, जो उनके अनुभव होते हैं। शिक्षा सूत्र को अगर हम माने तो वो शोधों के आधार पर हमने बहुत समय तक जो शोध करते हैं उनके अंदर हमारे शिक्षाविदों के जो अनुभव निकल कर आते हैं उन अनुभवों को हमें उसके लिए फॉर्मूला बना दिया जाता है। तो शिक्षा सूत्र हमारा क्या हो गया? शिक्षाविदों का अनुभव, शिक्षाविदों का अनुभव, उसे कहां पर स्थापित कर दिया जाता है? सूत्र में। हम देखते हैं कि जो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हम मैथ में कितने हमारे सूत्र होते हैं उनको लगाकर हम क्या करते हैं, उन सवालों को सॉल्व करते हैं। हम ये कह देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि वो किसी ना किसी के अनुभवों के आधार पर वो सूत्र के रूप में काम में लिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? सूत्र। इसी तरीके से हमारे जो शिक्षण सूत्र बनाए गए हैं हमारे अध्ययन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ये हमारी जो हम फर्स्ट ग्रेड, हम सेकंड ग्रेड, हम भी इनमें भी हमें शिक्षा सूत्र के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो ये टॉपिक नेट के साथ साथ आप जो टीचिंग कॉम्पिटिशन देंगे उसमें भी आपका ये महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शिक्षाविद जो हुए हैं, जहाँ मैथ के लिए हमारे मैथमेटिशियन अपने मैथ के लिए फॉर्मूले लगाते हैं, साइंस जो साइंस में है वो साइंटिस्ट अपने लिए लगाते हैं, फिलोसफी में अपने लगाते हैं, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षण में हमारे कौन कौन से सूत्रों का इसमें समावेश होता है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारे शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो हम सर्वप्रथम हमारे जो पहला हम हमारा शिक्षण सूत्र लेंगे, हमारा सर्वप्रथम जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो है सरल से जटिल की ओर। सर्वप्रथम हमारा है सरल से जटिल की, सरल से जटिल की ओर। हम मानते हैं बच्चों इस चीज को कि जब हमें शिक्षा करवाई जाती है, अगर हम सामान्य शब्दों में देखें कि हम अगर शिक्षक के सामने जाएं, हमें कोई भी शिक्षक अगर हमें ज्ञान देगा तो वो कभी भी हमें उस ज्ञान का जटिल रूप हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो ये मानेंगे कि अगर हमने बच्चों को जिस चीज का ज्ञान उन्हें नहीं, यानी कि जटिल ज्ञान कौन सा हुआ हमारे लिए, जिस ज्ञान को हम नहीं जानते। तो शिक्षक हमें जब हमारा ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमें ऐसा देते हैं कि बच्चों को वो सरल से सरल लगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे हम बच्चों के नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, बच्चों को नवीन ज्ञान जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट जागृत हो, बच्चे उसको आसान समझने लगे। हमारे लिए कहीं ना कहीं हम खुद नहीं सोचते, हम जिन शिक्षक जब बच्चों को ज्ञान कराए और उस टॉपिक को हम शुरू से स्टार्ट करें उनकी प्रीवियस नॉलेज से, तो बच्चों की साइकोलॉजी रहेगी, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि हम इस ज्ञान को हम जानते हैं। तो वो ज्ञान हमें कैसा लगा बच्चों? सरल लगा। यानी कि सर्वप्रथम जो शिक्षक का अनुभव है, अगर हमारे जो शिक्षाविदों ने अपने अनुभव में सूत्र को दिए जगह, तो वो है सरल से जटिलता की ओर। यानी कि जो भी ज्ञान दे वो कैसा दे हमें, सरल से। हम सरल ज्ञान को लेकर प्रीवियस ज्ञान को लेते हुए हम नवीन ज्ञान यानी कि आगे जटिलता की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि क्या, जो पुराना ज्ञान हम ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट अगर बच्चों को जागृत हो गया तो बच्चे उस ज्ञान को आगे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारी जो हमारी पाठ्य
तो प्रथम हो गया बच्चों हमारा शिक्षण सूत्र। क्या कहता है हमारा शिक्षण सूत्र कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है कैसे होनी चाहिए, उसमें इस सूत्र को स्थापित करना चाहिए, अर्थात सरल से जटिल की ओर। अगर इसे हम कहें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम हम इसे कहते हैं फ्रॉम सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। अब सेकंड आता है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम ये मानते हैं बच्चों जब हम ये ज्ञान ग्रहण करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि ज्ञात मीन्स हमारी नॉलेज जिसके बारे में हम जानते हैं, और अज्ञात अननॉलेज जिसकी हमारे पास जानकारी नहीं होती है, यानी कि हम इसे कहेंगे नाउन टू अननॉन, इसे हम कहेंगे नाउन जिसके बारे में हम जानते हैं टू अननॉन। अब बच्चों यहाँ ज्ञात, ज्ञात यानी कि जिस ज्ञान के बारे में हमारी जानकारी है, जैसे हमने ज्ञान को सरल से जटिल की ओर बनाया, सरल कौन सा बना बच्चों जिसका हमने उदाहरण प्रस्तुत किया, या हम ये माने कि जिससे हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया जिसकी हमें पहचान होती है, जिसकी हमें जानकारी होती है वो पार्ट, और उसके साथ हम उसी से संबंधित हम एक नवीन भाग उसके साथ जोड़ देते हैं जिसे हम अज्ञात की श्रेणी, जिसके बारे में हम नहीं जानते। क्योंकि जब तक हम ज्ञान के यानी कि अज्ञात के साथ हम ज्ञात नहीं जोड़ेंगे, जब तक बच्चों को उस ज्ञान को लेने में इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा। हमें कहें कि जब हम छात्र से हम पहले बातें बतानी चाहिए, यानी कि हमें ज्ञात करवानी चाहिए, हम क्या करते हैं शिक्षक भी इस चीज का ध्यान करते हैं, हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें सिंपल दे रहे हैं हम कि हम जब बच्चा फर्स्ट टाइम जब हमारे शिक्षा लेने आते हैं महाविद्यालय में, तो हम हमारे विषय का जब चयन करके बच्चों के सामने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं बच्चों से कि इस बुक के बारे में या इस टॉपिक के बारे में आपको क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षक का ये होता है। तो बच्चों को ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को जो ज्ञान वो नहीं जानते उस ज्ञान से वो जोड़ना चाहते हैं, या हम कहें कि वो कहीं ना कहीं शिक्षक उसमें ज्ञात और अज्ञात के ज्ञान में संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि कितना आपने जाना है और ये कितना आपका आगे बाकी है। अगर हम ऐसा ना करें, शिक्षक अगर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इस फॉर्मूले को नहीं अपनाए, तो क्या हम जाते ही क्या हम किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की हमारे अंदर क्षमता रहेगी? नहीं, ना ही हमारे पास इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक हम जिस ज्ञान के बारे में हम खुद नहीं जानते हैं वो नवीन ज्ञान हम नहीं लेना चाहते, हम उसे ही आगे बढ़ाना चाहेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि हमें क्या करना चाहिए शिक्षक को, पहले उनसे बातें उनको बतानी भी चाहिए और उनसे प्राप्त भी करनी चाहिए, जिससे हमारे छात्रों की पूर्व ज्ञान की शिक्षक को नॉलेज हो जाती है कि बच्चा इस बारे में कितना जानते हैं, और वो उसका आधार बन जाते हैं नवीन ज्ञान का, और उनके अंदर एक संबंध को रिलेशन सब स्थापित कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक की जो पहले जो हमारी विषय वस्तु होती है, इस विषय वस्तु को कक्षा में वो क्या करते हैं उसको संक्षिप्त रूप में बताते हैं, जो हमका ज्ञान होता है उसे संक्षिप्त बता देते हैं, फिर हम उसे नवीन ज्ञान जोड़ते हुए उसका भी संक्षिप्त रूप बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके अंदर वो इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, और फिर उसके हम विभिन्न भागों का हम अध्ययन करते हैं। तो पहला हुआ हमारा सरल से जटिल की ओर, सेकंड है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड है हमारा इसमें जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर इसमें हम देखें मूर्त से अमूर्त की ओर में हम कहेंगे कंट्रेक्ट टू अब्रप्ट, इसमें मूर्त ज्ञान
के बारे में जाना है, जिसे उन्होंने पहचाना है। सिंपल और सामान्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि मूर्त ज्ञान होगा बच्चों का जो पहले का ज्ञान होगा, कि बच्चों ने किस तरीके से उस ज्ञान की, क्योंकि पहले उस ज्ञान को देखा है, पहचाना है। देखना मीन्स उसको समझा है। उसके लिए हमारे सामने जो विभिन्न पदार्थ हमने प्रस्तुत करे हैं उसका ज्ञान देखा है। हम देखते हैं कि हम जो छोटे बच्चों को जब हम विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं, हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं। अब हमने बच्चों को उठा के एप्पल का परिचय दिया, तो आप ये मानेंगे कि बच्चे उस एप्पल की पहचान कहाँ कर चुके, पहले, यानी कि उसे कहीं ना कहीं उस चीज का ज्ञान है। तब बच्चे उस ज्ञान को मूर्त रूप में पहचान करके, आप अगर उसे अमूर्त रूप में, उसे जहाँ आप विद्यालय में आके उसे अमूर्त ज्ञान दे रहे हो, आप अपने चार्ट में उसे दिखा रहे हो, तो वो उसकी पहचान कहाँ से कर रहा है, अपने मूर्त ज्ञान से। अगर उसका मूर्त ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं होगा तो अमूर्त ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि मूर्त ज्ञान हो गया जिस पदार्थ की पहले की उसने उस बारे में उसकी पहचान कर चुका हो, उसे देख चुका हो, वो उसका मूर्त ज्ञान है, यानी कि पहले का ज्ञान। और फिर हम क्या करते हैं, उसके जो अमूर्त ज्ञान है उसके हम सूक्ष्म और छोटे छोटे जो हमारे उसके तथ्य होते हैं, उन रूपों को, उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। मूर्त ज्ञान हमने दिखा दिया बच्चों को कि ये पेन है, लेकिन अमूर्त ज्ञान है हमने कि इस पेन के अंदर क्या है जिससे ये चल रहा है, इसमें क्या इंक है, क्या इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम ब्लैक बोर्ड, यानी कि उसके अंदर का जो हिस्सा है वो हमारा अमूर्त है। हम माने कि आसमान में हमारे, ये पहले भी एग्जाम्पल मैंने बीएड में भी बताया था आपको, फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा कि हमारे आकाश में बिजली चमक रही है, बिजली चमकना हम देख रहे हैं वो हमारा मूर्त ज्ञान है, जो बिजली चमक रही है क्योंकि उसे हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष। लेकिन वो बिजली क्यों चमक रही है, इसका कारण हमारा अमूर्त ज्ञान है। उसके वो छोटे छोटे जो उनकी क्रिया होती है, हम ये कहें कि हम बारिश होते हुए हम देख रहे हैं, बारिश जो आ रही है हमारे सामने, बारिश को हम देख रहे हैं कि बारिश आ रही है, पानी नीचे गिरा, लेकिन जो बारिश के पीछे की प्रक्रिया, ये किस तरीके से बारिश हुई, समुद्र से किस तरह से पानी आकाश में गया, बादल बने, बादल से बारिश हुई, ये सब क्या है, अमूर्त ज्ञान। यानी कि मूर्त ज्ञान हमारे उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन उसके पीछे की क्रिया हमारी अमूर्त ज्ञान, जिसे हम छोटे छोटे उसके सूक्ष्म तथ्यों को हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, वो होता है अमूर्त ज्ञान। इसीलिए जब भी हमें जो ज्ञान सिखाया जाता है उस ज्ञान को हम सर्वप्रथम मूर्त ज्ञान से हम जोड़ते हैं, तभी हम अमूर्त ज्ञान आगे ग्रहण कर पाते हैं। तो ये शिक्षा सूत्र में है कि हमें हमेशा ज्ञान जब हम रहे, या हम कहें कि हमारे शिक्षाविद भी इस चीज को मानते हैं कि हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सर्वप्रथम हमें कैसा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, हमें मूर्त, क्योंकि जब हम मूर्त ज्ञान लेंगे तभी ही हम उसके जो छोटे छोटे भाग हैं उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी कि हम अमूर्त ज्ञान की ओर तभी बढ़ेंगे। फिर हमारा फोर्थ आता है हमारा अनिश्चित से, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित यानी कि जो हमारे लिए निश्चित ना हो, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट टू डेफिनेट, हम इसे कहेंगे इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टू डेफिनेट, डेफिनेट ये जो हमारे लिए अनिश्चित होता है। हम ये कहें कि जब शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में जब अस्पष्टता होती है, हम क्या करते हैं उसमें, यानी कि जिस ज्ञान के बारे में वो नहीं जानते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या होता है उसके प्रति शंका, धीरे 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 हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उसे निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, हम पूर्ण रूप से उसमें अनिश्चित हमारी अपरिपक्वता है कि वहां हम उनकी पहचान नहीं करते। जब हमें किसी ज्ञान की जानकारी नहीं होती तो वो हमारी अनिश्चित में होती है, जब हमें ज्ञान की जानकारी हो जाती है पूर्ण रूप से तो वो हमारे निश्चित की श्रेणी में है, निश्चित हमारी परिपक्वता की श्रेणी भी कहलाती है। परिपक्वता पूरी तरह से
यानी कि उदाहरण से हमें उस सामान्य ज्ञान की वो प्राप्ति करवाते हैं, यानी कि छात्र के सामने हम विशिष्ट उदाहरण देते हुए, प्रस्तुत करते हुए, बाद में उनके जो उदाहरण है उनके माध्यमों से हमें क्या करते हैं, हमारे सामान्य जो सिद्धांत होते हैं उनको स्थापित कर देते हैं कि इस तरीके से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। या हम कहें कि एग्जाम्पल देते हुए हमें उसे सामान्य रूप से उस ज्ञान को बता दिया जाता है कि इसकी ये प्राप्ति है। इसके अंदर हम कहें एक, इसके लिए हम कौन सा काव्य लेते हैं, आगमन तर्क। आगमन तर्क हमने देखा है, ये आगमन निगमन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं, यानी कि जब शिक्षक अपना शिक्षण बिंदु का चयन करते हैं तो वो उदाहरण के द्वारा अपने ज्ञान तक पहुंचते हैं, जो ज्ञान वो बच्चों को देना